सिरसा के जाट धर्मशाला में किसान महासम्मेलन आयोजित। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति द्वारा किया गया सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आगामी आंदोलन के लिए तैयार की गई रणनीति। सुरेंद्र भाटिया अमर सिंह के साथ देखिए ये रिपोर्ट। सिरसा के जाट धर्मशाला में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वामीनाथन संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और अपनी मांगों को लेकर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। किसानों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से किसानों को फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि न मिलने पर रोष जताया। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकल प्रसाद ने कहा कि किसानों के फसल बीमा योजना के तहत राशि तो काट ली गई, लेकिन अभी तक सिरसा जिले में किसानों को पिछली फसल का 170 करोड़ रुपए का क्लेम अभी भी बकाया है, जबकि दूसरी फसल का प्रीमियम काट लिया गया, लेकिन पिछले फसल का बकाया अभी भी बकाया है। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर बीमा क्लेम की राशि किसानों को जारी नहीं की जाती तो 1 जुलाई से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज राष्ट्रीय आंदोलन को नई रूपरेखा क्या रहेगी उसको लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, महासम्मेलन का आयोजित किया गया है। साथ में सिरसा जिला का काफ़ी बीमा क्लेम बकाया है 170 करोड़ रुपए के लगभग, जो दूसरी फसल का प्रीमियम काट लिया गया, लेकिन अब तक पिछली फसल का बीमा क्लेम नहीं दिया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ में आगे के आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति क्या होगी, इस विषय को लेकर आज ये किसान महासम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें देश भर के किसान नेता पहुंचे। अगर सरकार इस हफ्ते के अंदर अंदर बीमा क्लेम राशि जो हमारी 170 करोड़ रुपए है वो रिलीज नहीं करती तो 1 जुलाई से एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जो कि क्योंकि सिरसा जिला अब किसानों की जागृति के मामले में देश में पहले नंबर पर है, तो हमारा तो सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप तुरंत बीमा क्लेम की राशि रिलीज करें, ताकि इस काम के समय पर किसान दोबारा सड़कों पर ना उतरे और अपने खेतों में अन्न पैदा करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करें।